अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की वीडियो में कॉनिक सेक्शन की एक शॉर्टकट ट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिफाई द कॉनिक, ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली भी आ सकता है एमसीक्यू की शेप में, और वैसे भी कॉनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इसकी एप्लीकेशन होगी। आपको पता लगाना होता है कि ये कौन सा कॉनिक है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो फिर आपको पता लगाने में मुश्किल होती है कि ये कौन सा कॉनिक है। इसकी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं ये कौन सा कॉनिक है। मैं आपको पहले ट्यूटोरियल करके दिखाता हूं उसका। ये मैंने 4 इक्वेशन लिखी हैं, ये चारों डिफरेंट कॉनिक की हैं, ये मैं करके दिखाता हूं। ये हो गया जी पैराबोला। नेक्स्ट एलिप्स, हाइपरबोला और ये सर्कल, ये एक ही रहेगी सर्कल। चलिए मैं अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि ये मैंने किया कैसे है। जर्नल फॉर्म होती है किसी भी कॉनिक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ए बी सी डी ई एफ ये कोई भी कांस्टेंट है, ये आप अपनी मर्ज़ी से याद रख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट। एक चीज़ आपने पढ़ी होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। असल में हमारा काम इन तीन के साथ है, आगे वालों के साथ कोई हमारा काम नहीं है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपने निकालना है, इसका 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा या लेस देन ज़ीरो आएगा या ग्रेटर देन। अगर इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराबोला, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो हाइपरबोला, और अगर लेस देन ज़ीरो आएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या एलिप्स या सर्कल। ये दो अगर लेस देन ज़ीरो आएगा एलिप्स या सर्कल। अब आपको एलिप्स या सर्कल में से क्या है ये कैसे पता लगेगा, आपने दोबारा जाना इक्वेशन में। अगर तो इक्वेशन में एक्स वाई एक्स और वाई की प्रोडक्ट वाली जो टर्म है वो प्रेजेंट है तो एलिप्स है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सर्कल है। ये देखें इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं है, ये सर्कल था, ये एलिप्स है, ठीक है। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन होंगे आइडेंटिफाई द कॉनिक तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। ये आपके एफएस में भी हेल्पफुल है और एंटी टेस्ट में भी हेल्पफुल है, और ये नस्ट के टेस्ट में बाज़ का सवाल आ भी जाता है, इक्वेशन दी होती है और पूछते हैं ये कौन सी किस कॉनिक की है। और वैसे भी सवाल सॉल्व करते हुए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा कॉनिक है, तभी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल कॉनिक से मुतल्लिक पढ़ाऊँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।